जय हिंद दोस्तों, मैं अभी खारकी को मेट्रो स्टेशन में हूँ और यहाँ पे लगभग मेरे साथ 100 से 150 बच्चे फंसे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे 3 दिन से फंसे हुए हैं और लगभग हमारा खाना और पानी दोनों खत्म होने वाला है और 3 दिन से लगातार यहाँ पे भारी बमबारी चल रही है और आज सुबह से आर्मी भी शहर में घुस चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डर का माहौल छाया हुआ है पूरे शहर के ऊपर। कमाल की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हमारी कोई भी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रही है। जितने बच्चे एम्बेसी भी गए थे उनको भी कल रात ये बोल दिया गया है कि तुम अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ, हमारी तरफ से साफ ना है और ना उनके पास अभी कुछ खाने को है। वो शरेआम अपनी तबाही देख रहे हैं अपनी आंखों से। उनको ये बोल दिया गया है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपनी मर्जी से कुछ कर लो, हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी। और हाँ, एक न्यूज में काफी खबर फैल रही है कि इंडियन एम्बेसी इवैक्यूएट करा रही है और ये वो चल रहा है, ये सब फेक है। जितने बच्चे अभी तक बॉर्डर तक गए हैं वो सब अपनी बसेस करके गए हैं, खुद अपनी हिम्मत करके गए।